तीन चीज़ें आप जीवन में कर सकते हो जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसा लगेगा कि अच्छा हो रहा है, बट एक्चुअली इन द एंड आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और वो है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात्रयम् एतद्यजेत। तीन चीज़ें हैं, द्वारम नाशनम आत्मनः, इट्स अ गेट ऑफ डूम। डूम समझते हो, डूम क्या कहते हैं हिंदी में, कैसे कहेंगे, तबाही, तबाही का रास्ता है वो। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। और चलो मैं तीन चीज़ें सक्सेस का मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट काम, क्रोध, लोभ क्या है? अब ये आपको लगेगा पता नहीं कहाँ की बात लिया है बाबा आदम के ज़माने की। हमारी लाइफ में क्या है? कुछ काम, क्रोध, लोभ में कुछ नहीं है, बट एक्चुअली नहीं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इन शब्दों को अगर मॉडर्न वर्ड में ट्रांसलेट करेंगे तो समझ आएंगे क्या भगवान क्या कह रहे हैं। संस्कृत में इसलिए समझ नहीं आती, इंग्लिश में होगा तो समझ आ जाएंगी। जैसे संस्कृत में कहते हैं शौच, शौच मतलब पता है क्या होता है? किसी नए व्यक्ति को पता है शौच क्या होता है? शौच आपका शौच क्या संस्कृत है, बट एक्चुअली इसका मतलब है हिंदी में टॉयलेट। सो है हाँ इंग्लिश में टॉयलेट। हाँ पता नहीं टॉयलेट शब्द हिंदी का ही बन गया है थोड़ा सा। इंग्लिश में तो वैसे रेस्ट रूम कह देते हैं, रेस्ट रूम कहते हैं हिंदी में, हाँ इंडियंस कहते हैं टॉयलेट। जैसे संस्कृत में हमने क्या पढ़ा था वो शब्द जो एक अब्यूज था, क्या था? पाठश का क्या था, कैसे था वो? एनी वे तो संस्कृत में एक वर्ड है पाठशखा, ऐसी कुछ वर्ड है पाठशखा। कुछ समझ आ रहा है पाठशखा? अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी पाठशखा हैं, अच्छे अच्छे हैं ना। हिंदी में पता है इसका मतलब क्या है? डाकू। अगर मैं कोई डाकू है तो गुस्सा नहीं आ जाएगा आप? क्या आया मुझे डाकू कह दिया, संस्कृत में बुरा नहीं लगता। सो ऐसे ही क्या है कि काम, क्रोध, लोभ हमें कुछ समझ नहीं आते क्योंकि संस्कृत में है, बट इंग्लिश में क्या मतलब है इसके या हिंदी में क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा। सो काम क्या होता है? काम होता है कि फालतू की इच्छाएं होना गलत नहीं है, मगर बेकार की इच्छाएं वो गलत है। अब आप कहोगे बेकार की इच्छाएं क्या, हमारे लाइफ में तो सभी इच्छाएं ठीक है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बेकार की इच्छाएं वो हैं जिसका आपकी लाइफ के सस्टेनेंस से कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है। सस्टेनेंस समझते हो, जीवन चलाने के लिए जिन इच्छाओं का कोई भी रोल नहीं है, वो इच्छाएँ जो आप केवल पूरी करना चाहते हो अपने शौक के लिए, जीवन से कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेगुलरली हर मंथ घूमने जाना चाहते होटल में, कुछ लोग होते हैं नहीं हर महीने बोर होकर चलो होटल चलते हैं, इसका आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है ना। ये आपके जीवन में कुछ चीज़ ऐड करेगी ना कुछ घटाएगी, पैसे ज़रूर वेस्ट हो जाएंगे, बट ऐसा कोई आपके जीवन में आपको कुछ चीज़ सीखने को कुछ नहीं मिलेगा और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। इसको कहते हैं काम, अननेसेसरी डिज़ायर्स, फालतू की इच्छाएं। आपने दो बार खा लिया, तीन बार, तीसरी बार भी खाने का मन कर रहा है, वो फालतू की इच्छा है क्योंकि ह्यूमन बॉडी को, शरीर को दो बार खाना पर्याप्त है। ह्यूमन को दो बार खाना चाहिए, जानवर बार बार खाता है, समझ गए? मनुष्य दो बार खाता है, योगी एक बार खाता है। सो ये सारी बेकार की इच्छाएं, बेकार की इच्छाएं हमें स्क्रिप्चर से पता लगती हैं, भाई कॉमन सेंस से ही पता लग जाएंगी। नहीं क्या मतलब आपके पास आगे पास छः कपड़े हैं, सात बार खरीद लो, बेकार है, क्यों खरीदना भी, क्यों घर में भरना है? लोगों के पास क्रॉकरी होती है, भरी बड़ी रहती है क्रॉकरी समझते हो क्या होता है? आप लोगों को पता है क्रॉकरी? वो पता है ना लो, अरे पता है, चलो बर्तन, हाँ बर्तन। तो लोगों के घर क्रॉकरी भरी रहती है, मतलब हमारे घर भी थी जब हम छोटे थे, वो ड्राइंग रूम में भरी पड़ी है, बेड के नीचे भरी पड़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ भरी पड़ी रहती है। जो संडे को क्लीनिंग करते हैं क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, फालतू की चीज़ें। अमेरिका में एक मूवमेंट शुरू हो रहा है मिनिमलिस्ट,
अगर पता होगा तो। वो लोग कह रहे हैं यार ये क्या बेकार की चीज़ें हम ढो के घूम रहे हैं। तो वो अपने घर में एक कार्डबोर्ड रख देते हैं बहुत बड़ा, और हर दिन जो यूज़ नहीं हो रही चीज़ें वो उसमें डालते रहते हैं, और फिर देखते हैं कि 50% घर खाली हो गया उनका, और बेच के आके पैसे ले लेते हैं क्योंकि फालतू की चीज़ें घर में पड़ी होती हैं, है नहीं। इसको कहते हैं काम। दूसरा है, ये तो एक मतलब है काम, बेकार की इच्छाएं। एक बेकार की इच्छा होती है, उस काम का एक डायरेक्ट मतलब होता है लस्ट। मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब बेकार की इच्छाएं हैं, इससे लाइफ में कुछ ऐड नहीं होता, इससे लाइफ में टाइम वेस्ट होता है, पैसे बर्बाद होते हैं और बच्चे सुसाइड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लस्ट, कैसे क्या बोलेंगे ऐसे हिंदी में? बेकार, लस्ट तो बेकार होता है। लस्ट को बोले क्या मॉडर्न वर्ल्ड में? वेल आई मीन टू से इट्स ऑल सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट्स ऑल। लड़के लड़की घूमते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। आकर्षण है मगर फायदा नहीं है। सो इसको कहते हैं काम। दूसरी चीज़ है क्रोध। क्रोध क्रोध क्या होता है? क्रोध मतलब जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। एक इंग्लिश में वर्ड आता है, क्या होता है जब जब लोगों को एक एक वर्ड लोगों ने बनाया, हैंगरी। हैंगरी सुना है? हैंगरी सुना है वर्ड? हैंगरी वर्ड बनता है हंगरी प्लस एंग्री, क्या बन जाता है? हैंगरी। आजकल लोग हैंगरी सिंड्रोम में जा रहे हैं, हैंगरी सिंड्रोम में क्रोध आता है जब उनको कुछ, जब कुछ मिलता नहीं ना, जब हंग्री होते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, पैसे है नहीं, पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे, पैसे कहाँ है, तो फिर गुस्सा आता है, उसको बोलते हैं हैंग्री। सी से बैठो। सो क्रोध, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, जब बेकार की इच्छाएं होंगी नहीं तो क्रोध नहीं आएगा, दैट्स ऑल। काम, शरीर चलाने के लिए, लाइफ चलाने के लिए सबकी डिज़ायर्स पहले ही भगवान ने अरेंज की होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकार की डिज़ायर्स भगवान अरेंज नहीं करते, वो इंसान खुद बनाता है, और हर इच्छा तो पूरी होती नहीं, सोचने से भी नहीं होगी, ज़रूरी हो जाए आपकी शो, हो सकता है इच्छा हो जयगौर खरीदने की मगर नहीं मिल सकती आपको, आप कुछ भी कर लो, हाँ अगर करोड़पति बन जाओ तो शायद खरीद लो और फिर उसका ठुक जाएगी और फिर रोते रहे, मगर उसको कोई इंडिया में तो ठुकेगी, इंडिया इंडिया में कहाँ चला होगा जयगौर, इंडिया में तो फटफटिया ही अच्छी है, नहीं कहीं भी घुसा लो कहीं भी निकाल लो, छोटी गाड़ी अच्छी इंडिया में, पतली पतली गलियाँ होती हैं, कहीं भी निकाल लो, बैक भी कर सकते हो, घुमा भी सकते हो। सो दैट्स द होल आइडिया, क्रोध। और तीसरा है, तीसरा होता है लोभ। जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो और करने का मन करता है, उसको कहते हैं लोभ। पूरी नहीं, क्रोध, पूरी हो गई तो लोभ। इन तीनों में सबसे डेंजरस कौन सा है, सबसे खतरनाक कौन सा है, काम क्रोध लोभ में से कौन बताए सबसे खतरनाक कौन सा है? क्रोध, कोई कुछ कह रहा है क्रोध, काम है सबसे, कोई कह रहा है काम, सबसे बुरी चीज काम, कोई कह रहा है लोभ, तीनों ही हो गए आंसर। काम सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या आंसर है बैक बेंचर्स, क्या आंसर है बोलो जल्दी। अरे मैंने तीन ऑप्शन दिया, आप तो ऐसा कहाँ से ला रहे हो, काम क्रोध लोभ है। वहाँ क्या है बैक बेंचर्स, वहाँ क्या कह रहे हैं लोभ। ओके, सबसे डेंजरस है लोभ। या क्यों? क्योंकि काम हो, जो वासना होती है, जो इच्छाएं होती हैं वह पूरी कर सकते हो। क्रोध है, किसी पे निकाल दिया खत्म हो गया, लोभ खत्म नहीं होता कभी, लोभ बढ़ता ही रहता है, जितना करोगे और करने और बढ़ेगा, जितना करोगे और बढ़ेगा, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अवंती ब्राह्मण की एनालिसिस है भागवतम में, लोभ सबसे डेंजरस है, और पूरा संसार इसी में फंसा पड़ा है। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जब मिलता है तो और इच्छा आती है, जब मिलता है और इच्छा आ जाती है, जब मिलता है और इच्छा। बलि महाराज, वामन देव जब बलि महाराज के पास आए, बलि महाराज पूरी सृष्टि का राजा बनना चाह रहे थे, देवलोक का भी, देवताओं का भी। वामन देव आए, भगवान ने इनकार्नेशन लेके आया, भगवान ने कहा कि बलि तुम क्या, तुम चाहते हो देवलोक को भी प्राप्त करना, तुम्हें क्या लगता है तुम प्राप्त करके क्या संतुष्ट हो जाओगे?
बलि वामन देव ने इसलिए कहा, वामन देव ब्राह्मण के रूप में आए तो बलि बनाने का मांगो क्या मांगते। उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3। तो बलि बनाने का मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम, मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा और तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। उन्होंने कहा जहाँ तक दृष्टि जा रही है वहाँ तक मांग लो मुझसे। ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होगा तो पूरी सृष्टि से क्या संतुष्ट हो जाऊँगा। तो बलि महाराज ने कहा ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम यू नो, क्योंकि ऐसा कौन मांगता है। नहीं, क्योंकि इसे मांगने आता है तो 3 पग भूमि मांगता है, कोई नहीं मांगता। बलि महाराज को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये, फिर वामन देव ने फिलॉसफी बताई संतुष्टि क्या होती है। सो लोभ सबसे खतरनाक है, इसलिए 3 चीज़ें में फंसना नहीं चाहिए। अब मगर आप देखो पूरी सोसाइटी जो है 3 चीज़ें प्रमोट कर रही है इनको, फालतू की इच्छाएं प्रमोट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, पूरा एडवर्टाइजमेंट कंपनी यही है, आपकी इच्छाओं में घी डालना। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, i11, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, फोन ही तो करना है उसका, करोगे क्या iPhone 14 का, दिखाना है बस लोगों को। नहीं, इट्स अ एडवर्टाइजमेंट कंपनी। मगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी पता है बहुत चलाक है, वो लोग आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे और उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न देंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम लोभी हो, कहेंगे देखो इस फ़ोन की ज़रूरत है क्योंकि इसमें और फैसिलिटीज़ हैं, इसके बिना आपका काम धीरे होगा, ये होगा, बी स्मार्ट, बी वो जो कुछ भी करके वो लोग आपकी इच्छाओं को फ्यूल करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे एडवर्टाइजमेंट। और क्रोध को लोग बढ़ा रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर क्या है, पूरा यही है, कुछ काम नहीं हो तो फायर कर दो, हायर एंड फायर, सुने, निकाल दो अपना काम, चलाओ, यस, टॉलरेट मत करो कुछ चीज़, आगे बढ़ाओ कंपनी को, जो चीज़ गलत है उसको हटाओ, जो चीज़ सही है उसको करो, नो टॉलरेशन। ऐसे ही है ना, पहले ज़माने में पता क्या होता था, पहले ज़माने में लोग काम करते थे कंपनियों में 20-20 साल से, ऐसे नौकर नहीं होते थे, एम्प्लॉय होते थे 20-20 साल से, वो कुछ भी गलती करते तो उनको निकाला नहीं जाता था। मगर अब 20 साल से काम करो फ़र्क नहीं पड़ता, एक गलती हुई फायर, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, इट्स लाइक हायर एंड फायर की दुनिया है। सो क्रोध जो करता है उसको स्मार्ट माना जाता है, जो क्रोध नहीं करता उसको बहुत क्या कहेंगे उसको, इसको घोचू माना, घोचू समझते हो, घोचू वर्ड, घोचू माना जाता है, इसको क्रोध भी नहीं करना आता। और लोभ भी लोग बढ़ा रहे हैं, लोभ तो आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी बढ़ा देंगे भी, अब नेक्स्ट चीज़ लो, अब आगे बढ़ो और करो, ये करो वो करो, आपके इंस्टीट्यूशंस, कैरियर इंस्टीट्यूशंस लोग बढ़ा देंगे, अभी ये पोस्ट ले लो, फिर नेक्स्ट पोस्ट पे जाओ, फिर और आगे टारगेट करो। मोटिवेशनल गुरु सब लोग ही तो बढ़ा रहे हैं, और क्या है, मोटिवेशन मींस लो सक्सेस, लैडर, आगे बढ़ो, जैसे कि आगे बढ़ने से लोग खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं होता जीवन में, खुशी ऐसे नहीं मिलती, वो बेवकूफ़ी है। आप किसी भी अमीर आदमी से बोल लो आप खुश हो, कोई खुश नहीं है, मैं तो मिल चुका हूँ ना सबसे, कोई खुश नहीं है दुनिया में, अमीर आदमी कोई खुश नहीं है, अमीर आदमी तो दुखी है बल्कि ज़्यादा। सो इट डजेंट मेक यू हैप्पी, सो लोभ या दैट्स ऑल, मोटिवेशनल गुरुज ये सब लोग बढ़ा रहे हैं। सो दुनिया ही चल रही है, उल्टी चल रही है, द्वारम नाशनम आत्मना, इस 3 गलत रास्तों पर ले जा रही है, इससे लाइफ फेलियर है। समझ गए ना, क्लियर हो गया सबको, क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आप अभी भी ऐसे ही करोगे। आप करोगे यही क्योंकि हम करेंगे यही, क्योंकि आपके दोस्त भी ऐसा कहेंगे, आपकी सोसाइटी भी ऐसा कहेगी, और हाँ अभी यही करना है, देखो ठीक है, सभी कह रहे हैं, सभी कर रहे हैं तो हमें भी करना है, अल्टीमेटली यही होगा। बट अगर भगवान की बात मानोगे तो सक्सेस मिलेगी लाइफ में, तो बेस्ट है, भगवान की ओपिनियन बेस्ट है। अगर पूरी दुनिया भी कुछ कह दे, भगवान कुछ कहे तो बेस्ट क्या है, भगवान, क्योंकि भगवान का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। नहीं, पूरी दुनिया का कितना एक्सपीरियंस है, 1000, 2000, 3000, 5000 साल, सारी सभ्यताएं आ गई, सारी सिविलाइजेशंस को मिला लो, उनका भी अनुभव भगवान के तो अनुभव से कम ही है। हाँ, ये बात है, आपको मानना पड़ेगा भगवान है, वो बात है,
बट भगवान अगर नहीं भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताया ये बातें, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने, उनकी लाइफ बहुत लंबी होती थी, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, और उनका एक्सपीरियंस जो था वो एक अनबायस्ड एक्सपीरियंस, अनबायस्ड निरपेक्ष इन्फॉर्मेशन थी। उनको कुछ नहीं चाहिए था किसी से, वो तो बेनिफिट के लिए लोगों को बता रहे थे, कोई चीट नहीं कर रहे थे वो। इसलिए भगवान कह रहे सक्सेस चाहिए लाइफ में तो तीन चीज़ें ज़रूर करनी है, चाहे संसार में चाहे आध्यात्मिक जगत में, वो है यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानी मनीषिणा नतज्यम कर्मा। सो 18वें अध्याय का 5वां श्लोक ये पढ़ लेना, यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याजयम कार्यमेव, हाँ न त्याजयम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानी मनीषिणा। कृष्ण कह रहे यज्ञ दान तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में, इससे आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, चाहे यहाँ पर चाहे वहाँ पर। और जितने भी लोग हैं सबने तीन चीज़ें तो की हैं, जो सक्सेसफुल रहे संसार में, और जो भगवान के भक्ति में सक्सेसफुल रहे उन्होंने भी तीन चीज़ें की हैं। क्या है यज्ञ दान तप? यज्ञ मतलब होता है ऐसी एक्शन, यज्ञ मतलब स्वाहा स्वाहा यज्ञ की बात नहीं कर रहा मैं, वो सब तो है, चीज़ें हैं शास्त्रों में स्वाहा करके यज्ञ करना। यहाँ पे यज्ञ का मतलब है सेल्फलेस एक्शन, सेक्रीफाइस, अपना स्वार्थ छोड़ देना। हमारी सारी एक्शंस में सेल्फिशनेस है, नहीं हम अपने लिए करते रहते हैं सारी चीज़। एक भी काम अगर आप अपने लिए ना करके सेल्फलेस करो तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है लाइफ में। सो उससे जीवन में सक्सेस मिलती है, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो अपने लिए नहीं करते, तो उससे क्या होता है, उससे लाइफ में आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का, है नहीं? सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है जब दूसरों के लिए कर रहे हो? अपने लिए करते हो तो कौन सपोर्ट करेगा, कहेगा आप अपने लिए कर रहे हैं मैं अपने लिए करूँगा। सपोर्ट मिलता है लोगों का, और माइंड भी अच्छा होता है, एक सेल्फलेस माइंड हमेशा खुश रहता है। जो अपने लिए करते रहोगे हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, अपने लिए करोगे कुछ चीज़ें होंगी कुछ चीज़ें नहीं होंगी परेशान होंगे, दूसरों के लिए करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। और एक खुश मन जो होता है उसके डिसीजंस अच्छे होते हैं, जो मन पागल हो रहा है वो डिसीजंस गलत लेता है वो, तो उस लाइफ में भी अच्छा है। सेल्फलेस एक्शंस और मतलब खुशी होती है, नहीं एक अच्छा लगता है जब हम दूसरों के लिए करते हैं, होता है नहीं होता है? मतलब आई डोंट नो, आजकल के लोगों को कुछ आइडिया नहीं होगा इसका क्योंकि अपने लिए करते रहते हैं, बट अगर दूसरों के लिए करोगे तो उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, ज़्यादा संतुष्टि है। यज्ञ दान चैरिटी, दूसरा है चैरिटी। चैरिटी मतलब होता है दान। अब दान मतलब क्या है? दान मतलब है कि ऑफकोर्स चैरिटी मतलब जिससे लोग दान करते हैं समाज में, पहले लोग दान नहीं करते थे, गरीबों को दान करते थे, इंस्टीट्यूशंस में दान करते थे, ठीक है ना, करने से तो अच्छा है ही, सारे पैसे अपने पास रख लेने से अच्छा। तो कुछ पोर्शन शास्त्रों में लिखा है हर हाउस होल्डर को 10% ज़रूर चैरिटी में देना चाहिए। वो चैरिटी कहाँ देने वो मैं बाद में बताऊँगा, बट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो पैसे आप कमा रहे हो सोसाइटी से उसके अंदर पाप होते हैं ज़रूर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है मनी। हो सकता है आपने सही से कमाया हो मगर उसमें सिन होगा, आप उसको हटा नहीं सकते। उसको हटाने के लिए शास्त्रों की रिकमेंडेशन है 10% चैरिटी करना ज़रूरी है। आप सारे पैसे अपने पास नहीं रख सकते, सारे रिलीजन में 10% देना ज़रूरी है। इस्लाम में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, दसवांध सब में होता है। कहाँ देना है दान वो बात अलग है, बट देना ज़रूर चाहिए, जो कहते हैं दान। मतलब तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ कंपनीज ना दान देती हैं, पता है करते हैं, तो कुछ कंपनीज एनजीओ को दान देती है, अपनी एनजीओ बना रखा होता है, अपनी एनजीओ को दे देती हैं और फिर वहाँ से दोबारा ले लेते हैं, अरे हम दान कर रहे हैं देखो। नो दैट वो ट्रिक बात नहीं है। अगर आप दान नहीं करोगे तो आप मनी से अटैच हो जाओगे, फिर उससे काम वासना लोभ वो आता रहेगा, आप उस लूप में फंस जाओगे। और तीसरा है
तपा, तपा मतलब क्या होता है? तपा मतलब होता है लाइफ में कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं मेटेरियलिस्टिक लेवल पे बता रहा हूँ, मैं एक बार जनरल लेवल पे, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। डिसिप्लिन को बोलते हैं तप। आज की मॉडर्न लैंग्वेज तो डिसिप्लिन को तप बोलेंगे नहीं, डिसिप्लिन समझते हो, अनुशासन लाइफ में होना चाहिए। कुछ जल्दी सोना, जल्दी उठना सूर्योदय से पहले, तप ही है। टाइम पे खाना, यू नो, टाइम पे सोना, टाइम पे चीज़ें करना, डिसिप्लिन इज अ की टू सक्सेस। सो ये तीन चीज़ें होंगी तो सक्सेस मिलेगी। और ये सभी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, गीता से तो निकाला है उन्होंने, सेल्फलेस होना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सारे आपको जो मोटिवेशनल गुरुज कुछ ऐसे कुछ घुमा फिरा के कहेंगे, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, चैरिटी की बात तो नहीं करेंगे वो लोग, चैरिटी कौन कहता है। बट ये तीन चीज़ें हैं जो कि जो अगर आप करोगे तो लोगों की नज़र में, एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में एक और चीज़ होती है, प्रेस्टिज। प्रेस्टिज पता है, लोग पैसे छोड़ सकते हैं, जीवन भी छोड़ सकते हैं, मगर इज्जत नहीं छोड़ते, समझे? इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। सो भगवान कह रहे हैं जो यज्ञ दान तप करेगा उसकी प्रेस्टिज बढ़ेगी, दूसरों की मदद कर रहा है। और स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आदमी गरीब रह सकता है, आदमी भूखा रह सकता है, मगर बिना मान सम्मान के नहीं रह सकता। शास्त्रों में भी लिखा है कि जिसका मान, जिसका अपमान हो गया वो मृत्यु से भी पत्थर है, मृत्यु से भी खराब है मान, अपमान। गीता में कृष्णा कह रहे हैं इट्स वर्स देन डेथ। ना आप जीते बनते हो ना मरते बनते हो, आपके आपकी आपके मान, आपके अपमान हो गया पूरे समाज में, कहोगे भैया क्या हो गया। ऐसे ही है ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाएंगे, भैया क्या करें, सुसाइड कर लेते हैं लोग। सो ये तीन चीज़ें सक्सेस का रास्ता है, मगर ये तीन चीज़ें आप सोचो अगर संसार में सक्सेस दे सकती हैं और आपने भगवान के लिए कर दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। कृष्णा कह रहे हैं यज्ञ दान तप लोग करते हैं इस संसार में, मगर संसारी चीज़ों के लिए। कृष्णा कह रहे हैं वो तीनों चीज़ें मेरे लिए करो। अगर भगवान के लिए तीनों चीज़ें कर ली तो कृष्णा कह रहे हैं कि पावनानी मनीषिना, तो महान महान महात्मा भी शुद्ध हो जाते हैं। ये पावर यज्ञ दान तप की। क्या हो रहा है, बिल्लियां कहाँ से आ गई? सो यज्ञ, फोन भी बज रहा है। तो यज्ञ क्या है, भगवान के लिए यज्ञ मतलब क्या होता है? भगवान के लिए यज्ञ करने का मतलब होता है कि भगवान के लिए वो करना जो भगवान की इच्छा है। यज्ञ मतलब ये होता है सैक्रिफाइस, अपनी इच्छाएं छोड़ के भगवान की इच्छाएं पूरी करना, उसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ सिर्फ वो नहीं होता स्वाहा स्वाहा करके बस घी डाल दो, लोग करते नहीं अपने शादी होती यज्ञ नहीं करवाते, वो पंडित आता है पान खाते हुए और बस घी डाल दो स्वाहा स्वाहा, वो लगा के फेरे लगा के चलोगे शादी। शास्त्रों में दिया है, मगर वो यज्ञ जो करवा रहा है पंडित, एक तो उसको भी कुछ आइडिया नहीं है क्या कर रहा है, मतलब आई मीन टू से वो तो पैसे के लिए आ रहा है। वैसे आजकल लोग वैसे पंडित को नहीं बुलाते, आजकल ऐप आ गई है यज्ञ की और टैबलेट में ऐप रख देते हैं, उसी में आग निकल रही होती है आर्टिफिशियल, और फिर उसमें मंत्र मंत्र बोलते रहते, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। सो यज्ञ, उस यज्ञ की बात नहीं कर रहे, उसमें तो घी भी कहाँ है पंडित, कुछ नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं। असली यज्ञ है भगवान की इच्छा पूरी करना। आप चाहे करोड़ों यज्ञ कर लो स्वाहा वाले, कुछ नहीं होगा। अपना घर खोलते हैं लोग, यज्ञ नहीं कराते, घर हवन यज्ञ कराते हैं, क्या उससे क्या होगा, उसे कुछ नहीं होगा। आप हवन तो करा रहे हो मगर घर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो पूरा, दैट्स ऑल, वो ऐसा ड्रामा है। यज्ञ मतलब होता है यज्ञ हो भाई विष्णु। यज्ञ इसलिए किया जाता है बताने के लिए कि हम भगवान की इच्छा पूरी करेंगे सबसे प्रायोरिटी पे, अपनी इच्छा बाद में, ये यज्ञ होता है। इसलिए यज्ञ में एंड में क्या बोलते हैं, स्वाहा। स्वाहा मतलब क्या होता है, स्व मतलब मैं, हा मतलब ख़त्म करना। जब हम स्वाहा डालते हैं स्वाहा, इसका मतलब होता है मैं अपनी इच्छाएं छोड़ रहा हूँ, स्वाहा। हर बार स्वाहा स्वाहा कितनी बार बोलते हैं, नहीं ओम न स्वाहा, ओम पवित्रा है स्वाहा, ओम शांता है स्वाहा,
उसका मतलब है कि मैं अपनी इच्छाएं छोड़ के भगवान की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको भगवान की इच्छाएं पता होनी चाहिए क्या है, सिंपल है। उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए थोड़ी, भगवान चाहते क्या हैं। ऐसा ना हो कि पूरी लाइफ आप अपनी इच्छाएं पूरी करते रहो, अपने बच्चों की इच्छाएं, अपनी इच्छाएं, ये कोई लाइफ नहीं है, ये ठीक लाइफ नहीं है, ये सेल्फिश लाइफ है। ये एक अच्छी लाइफ है कि भगवान, क्योंकि भगवान की इच्छाएं सबके कल्याण के लिए, भगवान के बेनिफिट सबके बेनिफिट के लिए हैं। भगवान की डिज़ायर पूरी करेंगे तो सबका बेनिफिट होगा, अपनी डिज़ायर पूरी करेंगे तो सिर्फ हमारा बेनिफिट होगा, हमारा कल्याण होगा, बाकी हो सकता है सबका घाटा भी हो जाए। इसलिए यज्ञ, यज्ञ इसको कहते हैं, यज्ञ स्वाहा। ओके, मैं अपनी इच्छाएं प्रायोरिटी पे नहीं, भगवान की इच्छा प्रायोरिटी पे रखूंगा। भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की एक इच्छा है, मेरा नाम लो, इसलिए हम नाम लेते हैं, हरे कृष्णा हरे राम राम राम। या सेल्फलेस एक्शंस, या दैट्स गुड। सो दूसरा है ध्यान। दान देना है, चैरिटी देनी है, तो संस्थाओं को देने की जरूरत नहीं है संसार में। खाने भूखे लोगों को दे दी, इसको दे दी, अंधे लोगों को, ब्लड कैंप्स को कर सकते हो, ना करने से तो अच्छा ही है। मतलब एक यूजलेस चीज़ों से पिक्चरों में उड़ाना या इधर उधर उड़ाना से तो ठीक है, बट आइडियल नहीं है। क्योंकि चक्कर ये है ना कि आजकल आप किसी को भी दान दोगे, गरीबों को या अंधे इंस्टीट्यूशन को, पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं आपके, कुछ पता नहीं। नहीं हो सकता पीछे से कहीं और चले जाए, नहीं किसी को क्या पता कहाँ जा रहे हैं। कल ही हो गया, लोग चलाते हैं NGOs, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं दान देना है, तो भगवान कह रहे हैं मुझे दो, भगवान की सर्विस में लगाएं हम पैसे। भगवान की सर्विस में मतलब भगवान के टेंपल में, भगवान की डिवोटीज, वैष्णवों की सर्विस में। अगर मतलब तो अगर आप जानते हो डिवोटीज़ को, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा सारे संत इस संसार के अच्छे हैं, सब ढोंगी भी बैठे हैं, आप कहोगे वे मंदिर में भी गए हैं वो भी खा जाएंगे, नहीं। अगर आप अच्छे भी डिवोटीज़ हैं जो कि लाइफ अच्छा जी रहे हैं, आप उनके सर्विसेज में लगा सकते हो, दैट्स अ गुड आइडिया। आप जब जानते हो आपका मनी सही यूज़ होगा, दैट्स द होल आइडिया। बट ऐसे अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है संसार में सभी गंदे हैं, ऐसा नहीं है। सो भगवान की सर्विस में, डिवोटीज़ की सर्विस में, टेम्पल्स में, दैट्स अ गुड आइडिया। वहाँ पर हम चैरिटी दे सकते हैं, मगर देना ज़रूर चाहिए, देना ज़रूर चाहिए। यू शुड गिव गिव गिव। देने की जो आदत है वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेने की आदत लूटने में बदल जाती है धीरे धीरे, समझे। और तीसरा है तप। भगवान की सर्विस में तप करना चाहिए, भगवान के लिए तप करना चाहिए। भगवान के लिए तप क्या करना है? भगवान के लिए तप करने का मतलब है कि उनका एक चीज़ है प्रचार करना, भगवान का, भगवान का मैसेज स्प्रेड करने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, आती नहीं आती हैं, एनर्जी भी लगती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी लगती है समझाने में। ऐसा थोड़ा मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, आपको समझा भी तो रहा हूँ भैया कर लो चीज़ें, आपके माइंड में होगा नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, बट यू हैव टू एक्सप्लेन, तो उसमें टाइम लगता है। प्रीचिंग में और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लोग एंटी होते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, बट स्टिल हमें कंटिन्यू करना होता है। सो इसको कहते हैं तपस्या। भगवान की सेवा में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करना, वो तपस्या है। ऐसे ही संसार के लोग भी हैं, भी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, इतनी प्रॉब्लम आती है, तो वो तपस्या ही है, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही हम भगवान के लिए तपस्या करते हैं, भगवान की सर्विस करने के लिए, भगवान के डिवोटीज की हेल्प करने के लिए। सो ये तीन चीज़ें जो करेगा उसको स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इसलिए कुछ स्पिरिचुअलिटी में आप भगवान का नाम ले, आप मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ये तीन चीज़ें नहीं की तो आपकी मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं होने वाली। माइंड अभी भी कंटेमिनेट रहेगा, मन अभी भी पॉल्यूटेड रहेगा आपका, भगवान में नहीं लगेगा, भगवान समझ नहीं आएंगे। सो यज्ञ दान तपा कर्म, तीन चीज़ें सक्सेस की हो गई, तीन चीज़ें फेलियर की हो गई। फेलियर की क्या चीज़ें थी? काम क्रोध और सक्सेस के लिए यज्ञ दान तप। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो अभी, तो आपने क्या किया है, क्या किया बताओ?
हाँ, क्या किया? यज्ञ किया, दान किया, तप किया है? पूछ रहा हूँ ऐसी आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने यहाँ पर आकर थोड़ी सी तपस्या की है, नहीं? अपना टाइम निकाला लाइफ से और यहाँ पर आए हो, है नहीं? सुनने के लिए भगवान की कथा, तपस्या है ही ना? थोड़ी तपस्या तो है ही। इसके लिए घूम भी सकते थे, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते थे आप, बट आपने कहा चलो अभी घूमना वूमना छोड़ो, यहाँ पे आओ। तो तपस्या है, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा यज्ञ भी है। आपने अपनी इच्छा, हो सकता है किसी का कोई प्रोग्राम हो, यज्ञ तो नहीं, मान लीजिए किसी का प्रोग्राम होगा कोई फिक्स, उसने कहा नहीं हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हम भगवान के मंदिर जाएंगे, तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? यज्ञ। आपने अपनी इच्छा छोड़ दी और भगवान की इच्छा पूरी की। भगवान चाहते हैं मेरे गीता के बारे में सुनो। तो कुछ लोगों ने यज्ञ भी किया होगा, कुछ लोग जो ऐसे ही घूमने आए, उन्होंने यज्ञ नहीं किया, वो तो घूमने आए हैं बस, देखने आए। यज्ञ उन्होंने किया है जिनका कोई और इम्पोर्टेंट काम था और उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पर आने के लिए, उनका यज्ञ हो गया। तपस्या तो आप सबने की है, आए तो हो ही यहाँ पे, नहीं समा हो आप इधर उधर आ गए यहाँ पर। और दान भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, वो तो अब चैरिटी हो गया तब दान है, नहीं? सो यज्ञ दान तप, सो दैट्स द होल आइडिया देयर। सो हमें हर अपने हर क्रिया में देखना चाहिए, हमारे हर क्रिया में यज्ञ दान तप हो रहा है या नहीं हो रहा भगवान के लिए। हो रहा है तो बहुत अच्छा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा ना हो पूरा दिन ही निकल जाए भगवान के लिए कुछ हुआ नहीं, वो तो एक डेड लाइफ है, वो शमशान घाट कहते हैं उसको शास्त्रों में। ही इज अ डेड लिविंग मैन, ही इज अ डेड वॉकिंग मैन, ऐसे ही है, उससे चलती हुई लाश है वो, उसको कुछ कुछ नहीं है उसका, क्योंकि वो आया है और जाएगा, बर्थ लिया है और मर जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं लगने वाला, ऐसे ही है ना। इतिहास के पन्नों में ख़त्म, इतिहास के पन्नों में भी नहीं आएगा, वो तो मिट्टी में मिल के ख़त्म हो गया, यू आर लॉस्ट, दैट्स ऑल। मगर यज्ञ दान तप करने से हम भगवान की दृष्टि में आ जाते हैं, भगवान की अटेंशन हम पे आती है कि कौन है जो मेरे लिए कर रहा है कुछ। भगवान की अटेंशन आ गई तो बस काम ख़त्म, फिर चाहे पूरी दुनिया खुश है नहीं है, नहीं है सब रंग नहीं पड़ता, भगवान खुश है तो सब, भगवान खुश है कोई खुश नहीं है तो चलता है, सब खुश है भगवान खुश नहीं है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। नारद मुनि कह रहे हैं, ओके सो दैट्स 3 and 3 आई हैव टोल्ड यू। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की, ओके समथिंग, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं, हाँ किसी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो कुछ कहना है, वी कैन से कुछ बोलोगे तो अच्छा ही है, अदरवाइज तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा सब। मतलब उनको नहीं लगता कि भक्ति करनी चाहिए, अभी ठीक क्या हो गया है, चाहे उनको कोई तकलीफ है तकलीफ नहीं लगती, तो वैसा क्यों, मतलब क्यों ऐसे वो क्या हो रहा है? कुछ करना नहीं चाहते, भक्ति भक्ति नहीं करना चाहते, आना नहीं चाहते इस लाइन में कि नहीं हम ओके ठीक है लोगों का तो ऐसे ही है, हाँ आप कितने ही बोल दो हम ओके हैं ठीक है लाइफ चल रही है दैट्स ओके, क्यों करनी भक्ति, दैट्स अ क्वेश्चन। किसी को बोलो तो वो कहेंगे ठीक है, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, दैट्स आइडिया नहीं, तुम अपना करो हम अपना करें, लोगों का ये आइडिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि पता है खुश कौन रहता है, ऐसे खुश रहता है जिनकी बहुत छोटी दृष्टि होती है। जैसे शीला प्रभुपाद कह रहे थे भाई, एक जैसे छोटा बच्चा है वो खुशी है, छोटा बच्चा तो खुशी है, खेल रहा है अपने खिलौने के साथ, दूध पी रहा है, वो अपना हंसता रहेगा खेलता रहेगा, उसको आप कुछ भी समझा लो थोड़ा उसको थोड़ा ना समझ आने वाला है। उसको बोलो बेटे पैसे कमा ले, मम्मी दूध, कुछ 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 नहीं पता लगेगा, उसको दूध चाहिए खिलौना चाहिए, आप कितने बता दो नहीं समझ आएगा, आप पैसे दो खा जाएगा, खा ही जाएगा वो पैसे, उसको उसको
उसको वैल्यू नहीं पता मनी की, उसका मैच्योरिटी नहीं, उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइफ क्या है। खुश है मगर क्या हम लोग वैसी लाइफ लीड करना चाहते हैं? हमें पता है कि ठीक है खुश है मगर वो लाइफ नहीं है। नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस बच्चे को पता ही नहीं। लाइफ में पैसे हैं, जॉब है, जो भी लोग सोचते हैं चीज़ें हैं, इस बच्चा तो अपने खिलौने दूध में घूम रहा है। सो उसी प्रकार जो होता है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि देखो तुम खुश हो सकते हो अपनी लाइफ में मगर इससे बड़ी बड़ी खुशी है, और भी बहुत चीज़ें हैं, और भी इतना महान आनंद है जो तुमने कभी सोचा ही नहीं। पहला पॉइंट। सो वो तो अभी मैं फ़ोटो खिंचवाने गया था कहीं किसी के पास, तो वो सेम बात कह रहा था मुझसे कि देखो मैंने उससे कहा यार अब आश्रम आइए, बजरंग आश्रम। कहते हमारा तो यही आश्रम है। हमारा यही आश्रम है। मैंने कहा अच्छा वाह, ये तो अच्छा ही है। तो मैंने आपने गीता पढ़ी है? कहते हैं हाँ सब पढ़ा है। तो मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ी? कहते हैं सब जगह गया हूँ मैं, सब पढ़ा है, सब देखा है मैंने। मैंने कहा आपने ध्यान से पढ़ी है सब, किसी टीचर से? कहते हैं नहीं ऐसे नहीं पढ़ी बट हमें सब पता है और हम यहीं ठीक है। तो 4-5 मिनट बात चलती रही उससे। वो कह रहे हैं हम ठीक है, हम सही है, हम तो अपना करेंगे, ठीक है, आपको प्रणाम है, आप आइए, अच्छा है। नहीं तो ही वॉज डूइंग लाइक दैट। तो मैंने एंड में चलो फोटो भी खिंचवाई। मैंने एंड में उससे कहा, मैंने कहा देख ऐसा है कि, तो उसकी उसकी बच्ची बैठी हुई थी, छोटी बच्ची उस साइड में, तो वो पढ़ रही थी। तो मैंने कहा ये तेरी बच्ची? हाँ। कहते हैं हाँ मेरी बच्ची है। तो मैंने कहा कि अगर ये अपने मन से कुछ करने लगे और तुम्हारी बात नहीं सुने तो कैसा लगेगा? ये कहे हाँ मेरी लाइफ सब। अब पेरेंट्स कहें बेटे आ जाओ चलते घूमने, मेरा रूम ही मेरा आश्रम है। मैं नहीं आ रही तो कैसा लगेगा? तो क्या है बस फ्रस्ट्रेटिंग है, बेकार है, क्या बात नहीं मान रही? तो मैंने कहा ऐसी तुम बच्चे हो तुम अभी। मैंने उसको भी बोला तुम बच्चे हो और तुम्हें किसी की सुनने की आदत नहीं है, पहले सुनना सीखो। अभी तुम्हें पता ही नहीं कि हैप्पीनेस होती क्या है, तुम अपने छोटे से आश्रम में बैठे हो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं। हम भी बच्चे थे मगर हमने जब सुनना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी और लाइफ चेंज हुई। और मैंने उससे कहा वैसे भी तुझे पता है जिस चेयर पे तू बैठा है मैं इससे पहले उसी चेयर पे बैठा था, मैं तो वहीं था, हम संत बनने से पहले वहीं तो थे और अब यहाँ हैं। हमें पता है डिफरेंस क्या है वहाँ और यहाँ पर, तुम्हें नहीं पता क्या है। सो एक चीज़ मैंने उसको बोली कि तुम अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत कुछ हैप्पीनेस मिलेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात एक और ये है कि जो संसारी लोगों की जो खुशी है, आप वैसे तो पता है लोग कहते हैं हम खुश हैं, आपका खुश हो कहेगा खुश है, मगर आप किसी से पूछ लो शांति है, शांति नहीं कह सकता, वो कहेगा शांति नहीं कहेगा क्या आपकी शांति है। 99% लोग कहेंगे भाई शांति नहीं है लाइफ में, ये तो 100% ही लगा लो शांति नहीं है किसी के पास। कोई किसी से परेशान है, 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 कोई बॉस से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई वाइफ से परेशान है, कोई रिलेटिव से परेशान है, एवरीबॉडी इज इन टेंशन। तो हमें खुशी की बात नहीं करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए शांति की बात, वो नहीं है उनके पास, सब टेंशन में ही है आजकल तो, और क्या है, टेंशन में ही है। किसी का दिमाग फट रहा है, किसी का दिल फट रहा है, नहीं किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, कोई नींद की दवाई खा रहा है, कोई डायबिटीज की दवाई खा रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, दवाई खा खा के तो जी रहे हैं लोग। तो शांति और ऑफ कोर्स इसलिए शास्त्र ओम शांति 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 सुने, यही कहते हैं ना एंड में, यज्ञ के एंड में क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना ओम शांति ही शांति ही शांति। कभी भी यज्ञ के एंड में नहीं कहते ओम सुख सुख सुख, ऐसा सुना है कभी? कभी पंडित ने बोला ओम सुखा सोम सुखा ओम सुखा, ऐसा कभी नहीं होता, या ओम आनंद ओम आनंद ओम आनंद, नहीं। क्योंकि अगर आप सुख आनंद की बात करोगे लोग कहेंगे है ही, हम तो मज़े कर रहे हैं, हम तो बहुत टूर लगा के आए हैं, सब कुछ तो कर लिया, शांति का है तुम्हारे पास? नहीं है। वर्ड टूर लगा के आते हैं हस्बैंड वाइफ और आधे टाइम लड़ते हैं, यही होता है। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई क्या कह रहे हो, घूमने जाते हैं आधे टाइम तो लड़ते हैं हस्बैंड वाइफ,
नहीं वो लड़ाई होती है, वो लड़ेंगे कुछ ही छह रह जाती है, वो उस पर चिल्ला रही है, वो उस पर चिल्ला रहा है, बच्चे उस पर चिल्ला रहे हैं। ये घूमना होता है लोगों का, मुझे सब पता है ना, हम तो ऐसे सब भुगत चुके हैं सब। ये घूमना होता है, फिर आके घर में ठीक है भैया। सो शांति नहीं है किसी के पास। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे बोल सकते हैं आप, सैटिस्फाई पीस नहीं कहेगा, नहीं कह सकता, इम्पॉसिबल है। और तीसरी चीज़ जो है लोगों को बताने के लिए कि ठीक है तुम हैप्पी हो, बहुत अच्छा है, सब कुछ है तुम्हारे पास, एवरीथिंग इज़ देयर, मगर चक्कर ये है कि तुम्हारे जीवन में डर है। डर है नहीं है, डर से भरे होते हैं लोग, मेरे पैसे छूट जाएंगे, मेरी वाइफ भाग जाएगी, मेरे बच्चे चले जाएंगे, ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे। पंजाब में तो आजकल तो प्रॉब्लम है ही नहीं, सब डर से भरे हुए हैं। फियर है, फियर। सो ये तीन चीज़ें जो हैं ये कोई मना नहीं कर सकता इसको, अगर सेंसिबल आदमी है नहीं, सेंसिबल है। अगर सुनना ही नहीं फिर तो चलो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ लोग सुनते ही नहीं है नहीं, कुछ लोग सुनते ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो यार, ठीक है जो भी है हम नहीं सुन रहे, फिर उसके पास बस, तो फिर उनको तो कुछ नहीं कर सकते, उनका तो क्या करोगे, उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दीजिए, कुछ उनको समझ आ जाए, मगर ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। वो सच बोलेगा तो नहीं मना कर सकता है, सही ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ मना नहीं कर सकता। मरने का तो डर है ही, शरीर को थोड़ा सा कुछ आ जाता है डॉक्टर के पास भागते हैं, अरे योगा योगा टेंशन में आ जाते हैं, डर तो है ही मरने का, एटलीस्ट अगर बाकी कुछ नहीं है तो। सो सोशल स्टेटस खत्म होने का डर है नहीं है, सोशल स्टेटस मेंटेन करके रखना है। सो सब लाइफ ऐसे ही है सब। औरतों को डर है मैं बूढ़ी हो जाऊंगी फिर कैसी लगूंगी, इसलिए फेस पैक्स खरीदते रहो, ये करते रहो, सारे ब्यूटी पार्लर यही तो हैं, डर की वजह से तो हैं ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर सब डर की वजह से हैं, मैं कैसी लगूंगी, पोतते रहो ऊपर आप सुंदर लग रहे हो ठीक है, बट दैट्स नॉट हर रियल फेस, उसका असली चेहरा थोड़े ना है, वो तो कुछ और ही। हम एक प्रोग्राम में गए थे पंजाब में, तो एक माता जी थी, वो उनका फंक्शन किया था अपने घर में, तो मैं पहचान नहीं पाया उसको, मैं जानता हूँ उसको, मैं पहचान नहीं पाया। तो मैंने उससे पूछा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र, ये कौन है, तो उसने मुझे भी नहीं पता। वो ऑर्गेनाइज़र थी, वो उसकी वाइफ जिसने प्रोग्राम किया था उसी ने इनवाइट किया था। तो हम सोचते रह गए यार, प्रोग्राम के बाद पूछा कौन हो, कहते प्रभु जी आपने पहचाना। उसने ऐसा पोथा हुआ था अपने आप को, पहचान में नहीं आई वो। सो पॉइंट ये कि वो क्यों कर रही है ये सब, क्यों कर रही है अपने आप को क्यों ब्यूटीफुल बना रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो बिना इसके बहुत गंदी लगेगी, और दिन पे दिन ब्यूटी छिनती जा रही है नहीं, एज के साथ तो छिनेगी। हर औरत सुबह शशी में उठ के रिंकल देखती है, हाँ अरे रिंकल आ गया, ओ रिंकल रिंकल पता क्या होता है, ये आ गया यार क्या करें इसका। मैं जानता हूँ सबका क्या कर रहे हैं, हम ऐसे थोड़े ना हैं बैठे हुए, हमें सब पता है क्योंकि शास्त्रों में सब लिखा है, मैं नहीं कह रहा, भर्तृहरि कह रहे हैं, भगवान ने हमें सब बता रखा है सब कैसे सोचते हैं, भगवान ने ही बताया है सब कुछ उठ के। सो सब कुछ डर से है, सो दैट्स द होल आइडिया। सो यू कैन टेल देम, कोई मना, कोई सेंसेबल आदमी मना नहीं करेगा, ये कोई नहीं मना करेगा, दैट्स ऑल लोगों को बोल सकते हो। अगर आपको अभय निर्भय बनना है, शांति चाहिए और ऐसा सुख चाहिए जो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो तो भगवान के चरणों में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, आप घूमते रहो, नहीं मिल सकता आपको, माइंड आपको घुमाता रहेगा इधर उधर, कब तक भागोगे, भागते भागते थक जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिला है वो भी छिन जाएगा, है नहीं, मृत्यु सर्वस चरस हम, जो मिलेगा सब छिन जाएगा, आप कहाँ तक रख लोगे अपने पास। इंसान के साथ केवल एक ही चीज़ आती है, पता है क्या, क्या जाता है, क्या जाता है,
भक्ति तो चलो एक बहुत वैसा पड़ हो गया, एक ही चलो ठीक है कर। इंसान के साथ एक ही चीज़ आती है, उसका मन, मन ही जा रहा है ना, मरने का शरीर खत्म हो जाता है, मन जाता है आपके साथ अगले शरीर में। मन, अगर मन आपका कचुंबर है तो अगले शरीर में कचुंबर ही निकलेगा, यही होने वाला है। मन शांत है तो आप कहीं भी हो, यू आर हैप्पी, दैट्स ऑल। चाहे झोपड़ी में हो चाहे महल में हो, मन शांत नहीं है तो महल में हो तब भी पागल हो रहे हो, मन शांत है तो झोपड़ी में बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स द पॉइंट देयर। ओके, कुछ पूछना, कौन पूछ रहा था? जैसे भगवान के लिए यज्ञ करें तो पता कैसे चलेगा कि एक्सेप्ट किया है कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत इररिलेवेंट है आज की क्लास के लिए। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, दिस इज लाइक ओके। और किसको पूछना था? आप पूछ रहे थे कुछ, कोई कौन पूछ रहा था? स्वामी जी बोलो। जैसे कि मतलब थोड़े से जो जिनका मन लग जाता है भगवान की तरफ में, तो वो कोई पिछले जन्म का है या इस जन्म में थोड़ी बुद्धि उनकी सही? ये बात तो है, जिसका मन लगता है भगवान में पिछले जन्म का भी बात होती है, एक जन्म की तो बात होती नहीं। कुछ लोग जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं बैठे, अगर पिछले जन्म से किया ही होगा तभी यहाँ पे रह पा रहे हैं, मन लगा हुआ है। कुछ बच्चों का तो पूरा लगा हुआ है इसका, ये कौन माधव है? एज उम्र क्या आपकी? हाँ, 9 ईयर्स। ठीक है, कितना टाइम हो गया माधव को? 1 साल हो गया कम से कम, 8 महीने, 8-9 महीने। सो 8-9 महीने पहले आया था माधव। सो निपुण भी है, ये कब आया था? हाँ, इसको भी इतना हो गया नहीं। सो ये भी इज लाइक अराउंड 14 ईयर समथिंग, 10, 8, 14। इनका मन लग गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, ये अपने आप 3 बजे उड़ जाते हैं हमसे भी पहले, और उठ के आरती यही लोग करते हैं और अपनी जपमाला करते हैं, अपनी सेवा करते हैं। मन पता नहीं कैसे लग गया, बाहर के बच्चों को तो खिलौने नहीं तो पागल हो जाएंगे, फिर इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब इसका मतलब पिछले जन्मों से है कुछ, पिछले जन्मों से है, वरना कुछ बच्चे आते हैं रोते ही रहते हैं, लगता ही नहीं मन, घर जाना है घर जाना है, रह ही नहीं पाते। कितने बच्चे आए रो रो के चले गए, पिछले जन्म में नहीं किया उन्होंने तो मन नहीं लग रहा, जिन्होंने किया है वो आते ही। ये तो बच्चे ये जो है माधव और ये तो घर में भी फ़ोन नहीं करते, घर में ही फ़ोन नहीं करते, इनको तो मम्मी पापा की याद ही नहीं आती, नहीं करते ना दादा? माधव तो नहीं करता है ना, माधव कम करता हो नहीं, माधव तो बप्पन भी नहीं करता, बप्पन का है, चलो कोई नहीं, करते ही नहीं घर में फ़ोन। इनकी मम्मी फ़ोन करती है, कहते हैं बाद में बात करेंगे, अभी अभी सेवा कर रहे हैं हम, याद आ सकती नहीं होनी चाहिए। बोलो छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं? अब दे अंडरस्टैंड, इस एज से उनको अंडरस्टैंडिंग है, तो पिछली 100% पिछली लाइफ से आ रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो पहाड़ होता है इनके लिए बहुत आसान है, ये 16 माला भी घुमा लेते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों से एक एक माला नहीं होती, हरे कृष्ण प्रभु जी मन भाग रहा है, ये अपना माला करके ख़त्म भी हो गई, घूम रहे हैं अपना आराम से। सो पिछले जन्म का तो बहुत फ़र्क पड़ता है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है साधु संघ का। पिछले जन्म में भी उसने कोई साधु संघ ही तो किया होगा, तभी तो ऐसा बना है वो, हवा में थोड़ा ना बन गया वो, पिछले जन्म में ऐसे बैठ के लेक्चर सुने होंगे, समझा होगा, फिर मर गए होंगे, फिर पैदा हुए तो वही लेके पैदा हो गए, यहाँ विक्रम अनाश्वस्ती और शुरू कर दिया वहीं से। सो इसलिए साधु संघ सबसे इम्पोर्टेंट है। साधु संघ में जैसे आप सुन रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो बहुत अच्छा है, अगर आप साधु संघ लेके प्रश्न नहीं पूछोगे तो बेकार हो गया, आप बस सुन के हाँ हाँ हूँ हूँ कह के चले गए, वो तो बेकार हो गया ना। सो दैट्स द आइडिया, मच्चित मत था प्राणा। सो साधु संघ से चीज़ें बदलती हैं, क्लियर? दो चीज़ें, साधु संघ और पिछली लाइफ का तो है ही, तभी तो आपको संडे प्रोग्राम में आना चाहिए। आप लोग तो आते हो ना, आप लोग तो आते हो गांव से,
तभी हम प्रोग्राम करते हैं, लोग आए यहाँ पर, और यहाँ पे तो अच्छा भी लगता है सुनने में, नहीं यहाँ एक पीस है ना, सिटी में बैठ के सुनोगे तो अजीब सा है, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट भी है, मतलब ये जगह है कथा सुनने, भगवान के बारे में सुनने के लिए जगह बनाई इसलिए गई है, जैसे हॉस्पिटल बनाया गया पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली बनाया गया है कि भगवान के बारे में सुने, कीर्तन करें, सब लोग आ सकते हो, बहुत अच्छा है, यहाँ पे आओ सुनो और समझो, दैट्स ऑल, इजीली हो जाएगा, आपको करना है, आपको बैठ के सुनना ही तो है, मेहनत तो हमारी लगती है, देखो मैं एक घंटे से बोल रहा हूँ, प्यास तो मुझे लग रही है, आपको क्या है, अगर पानी पीट के पी के सब बैठे हो आराम से, थक तो हम रहे हैं, तो आपको सुनना है, केवल आप सुन भी नहीं सकते फिर तो कुछ नहीं हो सकता भैया, फिर तो भगवान भी अपने सर पकड़ लेंगे, क्या करूं इसका यार, ये सुन भी नहीं सकता, और पता है लोग सुनना क्यों नहीं चाहते, पता है क्यों नहीं सुनना चाहते, पता है आपको क्यों नहीं सुनना चाहते लोग, हैं सुनना इसलिए नहीं जाते, पहला कारण है कि उनको लगता है हमें पता है, हमें तो पता है, हमें तो पढ़ी हुई है गीता, अरे हमने तो पढ़ी हुई है, आपने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, वो यही कह रहा था, उसने डायरेक्टली मुझसे नहीं कहा, उसने कहा हमने तो पढ़ी हुई है, तो मैंने उससे कहा, तो मैंने कहा मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया गया, जो मैंने 25 साल लगा दिए इसमें, अगर तूने पढ़ी हुई है तो मैंने क्या किया फिर 25 साल, मैंने क्या किया, मैंने झक मारी है, क्वेश्चन तो उठता है ना बहुत बड़ा, तो लोग ऐसे कहते हैं हमने तो पढ़ा हुआ है, उनको पता नहीं एक्चुअली वो बेइज्जती कर रहे हैं सामने वाले की, नहीं मतलब आप किसी तो मतलब आप किसी सपोज मैथमेटिक्स प्रोफेसर छोड़ो, तो सपोज आप किसी डॉक्टर से पढ़ मिलो, और डॉक्टर बोले भी इस बीमारी की दवाई है, आपको हमें तो पता है, तो किसकी बेइज्जती है, डॉक्टर की, यार हद हो गई, डॉक्टर से मिलने क्यों गए, अगर तुम्हें पहले ही बोलना था तुम्हें पता है तो मिलने क्यों गए, बस वही बात है, साधुओं को जाके बोलते हैं हमें पता है ले भाई, दैट्स तो अहंकार की वजह से लोग सुनते नहीं, हमें पता है, पता है, अगर पता भी है तब भी नॉलेज का एंड, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, पता भी है तब भी अंत नहीं होता, तब भी व्यक्ति वाइज और वाइज और वाइज बनता रहता है, गहराई में जाता है, अहंकार की वजह से नहीं सुनते पहला, दूसरा है लोग इसलिए नहीं सुनते ज़्यादा क्योंकि लोगों को लगता है हमारा भोग छूट जाएगा, पता है वो, उनको लगता है यार हम ज़्यादा सुन लेंगे कर लेंगे तो क्या होगा, हम भी वैरागी बन जाएंगे कुछ ऐसे फालतू के आइडिया होते हैं लोगों के माइंड में, नहीं हमारा भी सब कुछ छूट जाएगा, नहीं यार ज़्यादा मत करो ठीक है चलते रहो, मैंने देखा है डर से नहीं सुनते लोग ज़्यादा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने फालतू के आइडिया है, कितने सारे हमारे हाउस होल्डर्स बैठे हैं सब भक्ति कर रहे हैं, उनका कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा, एक चीज़ छूट गई, फालतू की चीज़ छूट गई, टेंशन छूट गई, वो तो अच्छा ही है, दैट्स ऑल, बाकी अपना जीवन चलता है, सो इसलिए नहीं सुनते लोग, सुनते नहीं लोग, सबसे बेस्ट हैबिट है सुनने की, समझे, कोई आदत डालनी है तो सुनने की आदत डाल लो, हमेशा दुनिया में आगे बढ़ोगे, हमेशा आगे बढ़ोगे, मगर भारतीयों की आदत उल्टी है, बोलने की आदत है भारतीयों की, पता है इंडिया में प्रॉब्लम है थोड़ी, है इंडिया स्पेसिफिकली, इंडिया में सुनना है नहीं बोलते रहना है, बोलते रहना है, बाहर ऐसा नहीं है, फॉरेन में ऐसा नहीं है, वो सुनते हैं, ठीक है, इंडिया में कोई बोल रहा हो, कोई बोल रहा है बीच सेंटेंस तो बीच वाक्य में बोलता है अरे 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 रुक जा रुक जा, तो कोई ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसे ही बोल, तो आपके पंजाबी में क्या चलता है, जैसे कोई बोल रहा हो तो बीच में कहता है अरे, तो कैसे बोलते हैं पंजाबी में, गल सुन गल सुन, गल क्या कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, गल सुन, क्या कहते हो आप लोग, तो मेरी गल सुन है, गल सुननी भारतीयों में ऐसे ही है बस, अरे मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन, उसको रोक देंगे, फिर वो बोलेगा मेरी सुन, वो मैंने मेरी सुन, किसी को सुनना ही नहीं कुछ, तो सुनने की आदत नहीं है इंडियंस में, बोलने की आदत है, अपनी थोपने की आदत है, अरे मैं कह रही हूँ ना तू सुन नहीं रही, वो चिल्ला रही तू सुन नहीं रही, वो चल रहा है, नोबडी वांट्स
वॉन्ट्स टू हेयर. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. एक कल्चर में भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है. सुनने की हैबिट बहुत अच्छी है, सुनते रहो बस. ड्रामा देखते रहो संसार का क्या चल रहा है, ड्रामा देखते रहो क्या चल रहा है, और आराम से बैठो और अच्छी चीज़ ले लो, बुरी चीज़ छोड़ दो. वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा. आगे घुस जाओगे चीज़ों में तो वहीं बढ़ जाओगे, फिर तो कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर तो लोग ही आपको नीचे खींच लेंगे. That's how it goes. ऐसे ही है लाइफ. भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं गीता में. मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग नए हैं वो प्लीज़ गीता पढ़ लें. आप गीता पढ़ोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इन इन गधे मोटिवेशन गुरु से सीखने की बजाय गीता पढ़ लें, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, अच्छे इंसान भी बन जाएंगे साथ साथ. दोनों चीज़ें हो जाएंगी. सक्सेस होना हो मगर अच्छे इंसान ज़रूर बन जाएंगे, बेटर ह्यूमन. ओके, कुछ कहना और कुछ वी लैंड अप? ठीक है. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय.